जय जिनेन्द्र वंदे तो सव सिद्धे ध्रुवमल मनोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुण मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज समय सारजी में बता रहे हैं कि जो अपने शुद्ध आत्मचिंतन में लगे हुए शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, वे उस काल में भोजन और पानी की इच्छा नहीं करते। पहले बता चुके हैं धर्म अधर्म किसी गति आदि किसी की इच्छा नहीं करते। आज दो गाथाएं होंगी और उसमें बताएंगे, और तो और उनको भोजन पानी का भी भाव नहीं बनता। देखें गाथा नंबर 225। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो असणं चणिच्छ देणानि अपरिगहो दुःअसणस्य जान गोतेन सो होदी। बोलिए अपरिगहो अनिच्छो भणिदो असणं चणिच्छ देणानि अपरिगहो दुःअसणस्य जान गोतेन सो होदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो असणं चणिच्छ देणानि अपरिगहो दुःअसणस्य जान गोतेन सो होदी। गाथा का शब्दार्थ देखिए। अपरिगहो अपरिग्रही अनिच्छो जिसके इच्छा नहीं है, भणिदो कहा गया है, असणम भोजन को च और भोजन को नहीं चाहता अनिच्छदे कौन राणी। पहले बताया था धर्म को नहीं चाहता अधर्म को नहीं चाहता, अब कह रहे हैं भोजन को भी नहीं चाहता। आचार्य कुंद महाराज जी ने इस ग्रंथ में एक एक बात को समझाने के लिए सेम एक जैसी कई कई गाथाएं लिखी हैं, ताकि ये बात हमारे हृदय में उतर जाए। उनका अत्यधिक परिश्रम है इस मामले में। फिर देखें अपरिगहो अपरिग्रही अनिच्छो जिसके इच्छा नहीं है, भणिदो कहा गया है, असणम माने भोजन को, निच्छदे नहीं चाहता कौन ज्ञानी। ज्ञानी कैसा है? ना परिग्रही है ना इच्छा वाला है, इसलिए उसको भोजन की भी इच्छा नहीं होती। अपरिगहो दुःअसणस्य भोजन का परिग्रही नहीं है, इसलिए तेण इसलिए सो जाणगो होदी वह ज्ञायक मात्र है। वो तो केवल ज्ञायक मात्र है, भोजन की इच्छा मात्र नहीं, वो तो वर्तमान के परिस्थितियों को मात्र जानने वाला है, और वो भी राग द्वेष रहित होकर जानता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा होकर जानता है। आइए अर्थ देखते हैं। जिसके इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है, किंतु वह तो ज्ञायक है। पंडित जी, ऐसे ज्ञानी मुनि को भोजन की इच्छा क्यों नहीं होती? पहले बता दिया, ऐसे मुनि महाराज जब आत्मध्यान में लीन होते हैं तब वे पुण्य की पाप की धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य की चारों गतियों की किसी की इच्छा नहीं करते, इच्छा नहीं करते, उस ओर अपना ध्यान नहीं देते, क्योंकि चिंतन कहाँ जाता है? जो चीज़ अपनी इच्छा में आती है उधर हमारा चिंतन जाता है। अगर रंच मात्र भी इच्छा करेंगे
तो चिंतन आत्मा से हटके उस तरफ चला जाएगा, इसलिए उन्हें भोजन की भी इच्छा नहीं होती। भोजन का समय हो जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं होती। एक बात और विचारें हम और आप, भोजन की इच्छा कब होती है? जब उस ओर हमारा उपयोग जाता है। मान लो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, आज अंतिम आठवां दिन है, अर्घ चढ़ने हैं 1024, सुबह 7 बजे पूजा शुरू कर दी है और अर्घ पूरे होंगे शाम को 4 बजे तक। आप सिद्ध चक्र विधान के अर्घ चढ़ाने में लगे हैं। प्रतिदिन भोजन करते हैं आप, मान लो 10-10:30 बजे। उस दिन क्या होगा? आपके 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, तो भी भोजन की इच्छा नहीं होगी। क्यों? सिद्ध भगवान के गुणों में, उनके गुणों के अर्घ चढ़ाने में आपका मन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, अब नहीं रुक सकते आप, अब तो तुरंत दौड़ के भोजन पे जाएंगे। क्यों? अब भोजन की ओर उपयोग लगा। इसी तरह उन मुनि महाराज का उपयोग भोजन की ओर नहीं जाता, उनका उपयोग तो अपने आत्मचिंतन में डूबा हुआ है और आनंद ले रहा है। जब आनंद ले रहा है तब फिर अन्य की तरफ उपयोग क्यों जाएगा? इसलिए वो भोजन की ओर भी उनका उपयोग नहीं जाता। पंडित जी, भोजन की इच्छा हमें क्यों होती है? एक बार एक प्रश्न आया था, केवली भगवान कवलाहार नहीं करते, हमें आहार क्यों लेना पड़ता है? इसका कारण ये है, केवली भगवान के शरीर में अन्य और जीव राशि नहीं रहती, कोई भी जीव नहीं होता, इसलिए उनका शरीर होता है परम उदारिक। हमारा आपका शरीर कैसा है? हमारे आपके शरीर में करोड़ों अरबों जीव भरे पड़े हैं, इसीलिए तो उनकी टेस्टिंग बराबर होती रहती है। ब्लड में देखो तो भी छोटे छोटे होते हैं, सारे शरीर में भरे हुए हैं। वो क्या खाते हैं? हमारे शरीर का कुछ भाग वो भक्षण करते, ये उनका भोजन है। तो वो भक्षण करते हैं तो हमारा शरीर डेप्रिशिएट होता है, गिरता है, कमजोरी को प्राप्त होता है। तो हम उसके लिए ऊपर से भोजन डाल के उसके डेप्रिसिएशन को एप्रिशिएट करते, अर्थात उसकी गिरावट को हम फिर ठीक कर देते। और हम देखते भी हैं, भोजन किया, हाँ अब तो ठीक हो गए, वैसे सुस्ती आ रही थी। लेकिन केवली भगवान के शरीर में वो जर्म्स नहीं होते, इसलिए उनको कवलाहार की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ मुनि महाराज को इच्छा तो होती है, एक तो अंदर शरीर की वजह से, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको ठीक करना है। दूसरी बात चारित्र मोहिनी के उदय से भी, तीसरी बात असाता वेदनी के उदय से भूख लगती है और उसके कारण आहार लेना ज़रूरी है। लेकिन वो आहार तो लेते हैं, परंतु उस समय आहार में भी राग नहीं होता। लेकिन यहाँ जो भोजन की इच्छा नहीं है मुनिराजों के, उनके तो शुद्ध उपयोग में लीन मुनि महाराज हैं, उनके तो उस समय न चिंतन है न उधर ध्यान है, वो तो अपनी आत्म ध्यान में अपनी आत्म साधना में लगे हैं, अतः उनको आहार की इच्छा नहीं होती। पंडित जी, किन्हीं मुनिराज को शुद्ध उपयोग की अवस्था कितने समय तक रह सकती है? माँ उत्कृष्ट काल शुद्धोपयोग का अंतर्मुहूर्त, और वो अंतर्मुहूर्त भी ऐसा वैसा नहीं, अंतर्मुहूर्त का मतलब 1-2 मिनट बस। अगर कोई मुनि महाराज ऐसे शुद्धोपयोग में 1-2 मिनट रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। जब समय लिखा गया तो बताया गया सप्तम गुणस्थान का काल अधिक से अधिक आधा मिनट है, आठवें का उससे आधा, फिर नौवें का उससे आधा, दसवें का उससे आधा। तो सप्तम गुणस्थान वाले को, जो सातिशय अप्रमत्व वाला है, शुद्धोपयोग में आया हुआ है, उसको 13वें गुणस्थान तक आने में कितना काल लगता है? 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यह 1 मिनट का शुद्धोपयोग असंख्यात भवों में संचित किए गए कर्मों को भस्म कर देता है, और वे मुनिराज
एक मिनट में सातवें गुणस्थान से और तेरहवें गुणस्थान में केवली अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग हम और आप सबको होवे, ऐसी भावना भानी है, ताकि कर्म समूह नष्ट हो के हमें भी मुक्ति मिले। आइए पद्यानुवाद देखते। ज्ञानी वही श्रमण है, अपरिग्रही है, इच्छा कभी अशन की करता नहीं है। ज्ञाता अते अशन का रहता सही है, निसंग को मुकत की मिलती मही है। चौथी पंक्ति देखे, निसंग को अर्थात परिग्रह रहित को अर्थात वांछा रहित को मुक्ति की मही, मही माने पृथ्वी, अर्थात वे वहाँ ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं, ये इसका फल है। आइए गाथा नंबर 226। अपरिगहो अणिच्छो भणिदो पाणं चणिच्छदेणानि, अपरिगहो दुपाणस्स जानगो तेण सो होदि। बोलिए, अपरिगहो अणिच्छो भणिदो पाणं चणिच्छदेणानि, अपरिगहो दुपाणस्स जानगो तेण सो होदि। अपरिगहो अणिच्छो भणिदो पाणं चणिच्छदेणानि, अपरिगहो दुपाणस्स जानगो तेण सो होदि। गाथा के शब्दार्थ पर ध्यान दें। गाथा नंबर 225, गाथा नंबर 226 में बस जरा सा अंतर है। इसमें जो तीसरी पंक्ति है या तीसरा चरण है उसमें था असणस्स, इसमें है पाणस्स। असणस्स का मतलब था वह भोजन का परिग्रही नहीं है, और पाणस्स का मतलब है वो पेय पदार्थ का परिग्रही नहीं है, पापे पदार्थ का परिग्रही नहीं है। आइए अर्थ देखते हैं। अपरिगहो अपरिग्रही, अणिच्छो जिसकी इच्छा नहीं है वे, भणिदो कहाँ है, पानम पान माने पेय पदार्थ को, और न इच्छदे नहीं चाहता ज्ञानी। ज्ञानी अपरिग्रही है, इच्छा रहित है, अतः वह पेय पदार्थ को भी नहीं चाहता। किंतु पाणस्स अपरिगहो, पान का पेय पदार्थ का परिग्रही नहीं है, तो क्या है वो, तेण सो जानगो होदी, वह तो मात्र उसका ज्ञायक है, इच्छा नहीं रहती, मात्र ज्ञायक होता है। इस तरह पहली गाथा और इस गाथा में थोड़ा सा अंतर है, असणस्स भोजन का, पाणस्स पान का। अर्थ देखिए, जिसके इच्छा नहीं है वे अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पान, पान माने पेय पदार्थ को भी नहीं चाहता, इसलिए वह पान का परिग्रही नहीं है, किंतु वह ज्ञायक है। आचार्य कुंद महाराज ने एक गाथा में लिखा उसको धर्म नहीं चाहिए पुण्य, दूसरे में लिखा अधर्म पाप भी नहीं चाहिए, तीसरी में लिखा भोजन का भी उसकी इच्छा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पेय पदार्थ की भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह तो अपने आत्मचिंतन में डूबा है, अब उसे बाहरी किसी पदार्थ की कोई उस ओर उसका लक्ष्य रहता ही नहीं,
चिंतन जाता ही नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन रहता है, उसे हम कहते हैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा। पंडित जी, ऐसे मुनिराज को कुछ भी पीने की इच्छा क्यों नहीं होती? उन मुनि महाराज के चिंतन में तो मात्र आत्मा, ज्ञायक भाव, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे आहार भोजन हो या पानी हो, किसी की उनके इच्छा नहीं होती। प्यास लगती होगी कि नहीं? प्यास तो लगती होगी, क्यों नहीं लगेगी? मान लो गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी आत्मानंद में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्हें किसी अन्य पदार्थ के पीने का भाव ही नहीं आता। कभी महाराज के प्रवचन सुनने बैठे और प्रवचन डेढ़ घंटे बाद महाराज ने रोक दिया, समय हो गया। मन ये कहता है, अरे अभी 10-15-20 मिनट तो हुए हैं, लेकिन जब घड़ी देखते हैं तो मालूम पड़ता है ओ डेढ़ घंटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन उसमें डूबा हुआ था, तो जाता हुआ समय मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह जो मुनि महाराज आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं, उनको खाने की पीने की किसी की ओर उनका रंच मात्र भी विचार नहीं जाता। और जब मन नहीं जाता, इच्छा नहीं होती, आचार्य कहते हैं ये अपरिग्रही हैं, ये अनिच्छो इच्छा रहित हैं। पंडित जी, आपरमत्त विरत गुणस्थान कितने प्रकार का होता है? बहुत से स्वाध्यायी लोगों की धारणा है कि सप्तम गुणस्थान में शुद्ध उपयोग होता है, छठे गुणस्थान में शुभ उपयोग होता है। जब मुनि महाराज शुभ उपयोग में आते हैं तो उनके छठा गुणस्थान हो जाता है, पर नहीं, उनकी धारणा आगम के अनुसार ठीक नहीं। सप्तम गुणस्थान दो प्रकार का है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। जिस समय मुनि महाराज आहार लेते हैं, विहार करते हैं, उस समय भी मुनि राजों के छठा सातवां दोनों गुणस्थान होते रहते हैं। छठे गुणस्थान का काल रतनचंद जी मुख्तियार ने उत्कृष्ट से 1 मिनट लिखा है, उसके बाद सप्तम गुणस्थान होना ही होना है, उन्होंने पूरा गणित लगा के उसको सिद्ध किया है। तो जब मुनि महाराज बिहार में हैं तो उनके 1 मिनट छठा गुणस्थान, आधा मिनट सातवां गुणस्थान, फिर 1 मिनट छठा गुणस्थान, आधा मिनट सातवां गुणस्थान। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आहार ले रहे होते हैं तब भी 1 मिनट छठा गुणस्थान, आधा मिनट सातवां गुणस्थान। तो क्या आहार लेते समय सप्तम गुणस्थान होता है? हाँ बिल्कुल होता है। छठे सातवें गुणस्थान में महाराज दिन भर झूलते रहते हैं, जब निद्रा आ जाती है तब भी छठा और सातवां दोनों गुणस्थान रहते हैं। सप्तम गुणस्थान की दो अवस्थाएँ, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। जिस समय सप्तम गुणस्थान में आहारचर्या या विहार आदि करते हुए होते हैं तो सविकल्प होती है, और जिस समय आत्मचिंतन में शुद्धोपयोग में आते हैं उस समय निर्विकल्प अवस्था बनती है, गुणस्थान सातवां ही रहता है। क्योंकि वर्तमान में हम सप्तम गुणस्थान से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, और शुद्धोपयोग वर्तमान में मात्र जो भावलिंगी महान साधु हैं उनके लिए कहा गया है, अन्य के लिए नहीं कहा गया। जो चतुर्थ गुणस्थान पंचम गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, खैर उनकी धारणा तो आगम से बहुत दूर है, उसको तो अलग ही रखें। मैं तो कह रहा हूँ सप्तम गुणस्थान में भी शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों रहते हैं, छठे गुणस्थान तक शुद्धोपयोग बिल्कुल नहीं होता, सप्तम गुणस्थान से प्रारंभ होता है। तो सप्तम गुणस्थान की दो अवस्थाएं हैं, एक सविकल्प और निर्विकल्प। ध्यानावस्था निर्विकल्प अवस्था में बनती है, वर्तमान पंचम काल में भी बन सकती है। जो भावलिंगी साधु हैं, जिनको अपनी चर्या का बहुत ध्यान रहता है, जिन्होंने अपने आप को बहिरंग प्रसंगों में नहीं उलझाया है, ध्यान से सुनिए, जिन मुनिराजों ने अपने आप को बहिरंग प्रसंगों में नहीं उलझाया है, जो निरंतर ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, ज्ञान ध्यान और तप में ही लगे रहते हैं, जिन्हें इसके अलावा कोई चर्या और कुछ भी नहीं सुहाता, ऐसे मुनि महाराजों को
कभी यदा कदा शुद्धोपयोग हो जाता हो, ऐसे मुनिराजों को भी, हम गृहस्थी में उलझे हुए लोगों को तो शुद्धोपयोग दूर दूर तक होने का कोई संभावना ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, आचार्यों ने लिखा ही नहीं। छठे गुणस्थान तक शुद्धोपयोग निषेध, प्रारंभ सप्तम गुणस्थान से। लोग मुझे लाला के बहुत सी किताबें दिखाते हैं, देखो लिखा है चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग की सिद्धि। मैं कहता हूँ भैया आगम के अनुसार कहाँ लिखा, इन्होंने मन मर्जी से लिख दिया। एक भी आचार्य का वाक्य नहीं है कि सप्तम गुणस्थान से पूर्व शुद्धोपयोग होता हो। इसलिए शुद्धोपयोग के काल में ऐसी दशा होती है उनको भोजन की पान की किसी की इच्छा नहीं होती, मात्र उन्हें तो आत्मा में रमण करना ही सुहाता है। वो तो स्वानुभव के आनंद में डूबे रहते हैं और उसका आनंद लेते हैं। 226 का पद्यानुवाद देखिए। ज्ञानी वही श्रमण है अपरिग्रही है, वह चाहता तरल पान कभी नहीं है, ज्ञाता रहा इसलिए रस पान का है, निसंग है रसिक भी निज ज्ञान का है। अंतिम पंक्ति कितनी अच्छी है, निसंग है वह परिग्रह रहित है अर्थात इच्छा रहित है, तो किसका रसिक है, आत्मज्ञान का निज ज्ञान का रसिक है, उसी में उसको आनंद आता है। और जो एक बार इस आनंद को पाले वो इससे दूर जाना नहीं चाहता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद कमला देवी राकेश नीतू ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा पटना बिहार, ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधु श्री अशोक उमा पटना, श्री विनोद बबीता गुवाहाटी, श्री सुनील शालू पटना, ब्रह्मचारी संजय भैया ईसरी, श्री अभय मेघना चंडीगढ़, श्री आलोक मेघना वडोदरा,